कब्रिस्तान का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। रवि जैन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वहां पर कौन कौन लोग हैं और खासतौर पर अगर मैं इरफान खान के परिवार के लोगों की बात करूं तो कौन लोग आपको नजर आ रहे हैं? परिवार के लोगों में हमें अभी यही जानकारी है कि पत्नी और जो बेटा है उनका, वो अंदर हैं और बहुत चुनिंदा रिश्तेदार जो हैं, चुनिंदा लोग जो हैं, चुनिंदा दोस्त जो हैं, वही लोग हैं। ज्यादा लोगों को अंदर जाने को भी नहीं मिला है क्योंकि एक लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। ऐसे में अंदर भी भारी भीड़ नहीं है और कब्रिस्तान के बाहर भी भारी भीड़ नहीं है। सिर्फ मीडियाकर्मी और पुलिसकर्मी ही यहाँ पर नजर आएंगे। तो उनकी पत्नी और उनका बेटा यहाँ पर है और उनके बहुत ही करीबी दोस्त, कुल मिलाकर 20 लोग अंदर हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। जी जी। और अभी अभी एक और ताजा जानकारी हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है इरफान खान को याद करते हुए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, देखिए ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि इरफान खान का निधन सिनेमा और थिएटर की दुनिया के लिए बड़ी क्षति है, अलग अलग माध्यमों पर अपनी अदाकारी के लिए। और आगे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि अपनी अदाकारी के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे, उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, अब से बस कुछ ही देर पहले उन्होंने भी इरफान खान को याद करते हुए ये बातें कही हैं। और वाकई आप सोचिए कितना बड़ा फिल्मी कैनवास था इरफान खान का। जब 1998 में उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की तो इंटरनेशनल फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, सलाम बॉम्बे। तब NSD में वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे। और ये देखिए, ये वर्सोवा कब्रिस्तान के बाहर का दृश्य है। जी रवि, कुछ कह रहे हैं आप? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तिग्मांशु धूलिया मौजूद हैं, अगर आप देख सकते हैं, उन्होंने काला मास्क लगाया हुआ है, आंखों में चश्मा पहना है। तिग्मांशु धूलिया ने इरफान खान के साथ काफी काम किया है। पान सिंह तोमर की अगर बात की जाए, साहिब बीबी और गैंगस्टर की बात की जाए, ऐसी तमाम फिल्में, और बहुत क्लोज दोस्त रहे हैं वो लोग। और इन्हीं की फिल्म से, तिग्मांशु की फिल्म से इरफान खान को एक बार फिर से हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकने का मौका मिला था। तमाम फिल्में की है और तिग्मांशु की फिल्म से की फिल्मों में किए गए अभिनय से उन्हें काफी तारीफ मिली है इरफान को। तो ऐसे में तिग्मांशु का यहाँ पर होना अपने आप में बताता है कि कितनी गहरी दोस्ती उनमें रही है, कितना लगाव रहा है। और तिग्मांशु उन लोगों में से रहे हैं जो हमेशा से उनके परिवार से टच में रहे हैं, और तिग्मांशु और इरफान एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त, एक दूसरे को समझते रहे हैं। रवि, वहां पर जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो खबर तो दर्शकों तक पहुंचाते रहे। जी, यहां पर अब लोगों की थोड़े लोग आने लगे हैं, उत्सुकतावश यहां पर थोड़े लोग जमा होने लगे हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं तो वैसे उनके बिल्डिंग के लोग और उनके रिश्तेदार जो हैं यहाँ पर कुछ कुछ जमा होने लगे हैं। हालांकि पुलिस जो है लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने से मना कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बार बार कह रही है, लेकिन उनके करीबी चंद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके अंतिम दर्शन करें, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रही है कि कोई एक दूसरे के करीब ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा इरफान खान को, जो हम सभी के चहेते अभिनेता रहे हैं, बेहतरीन अभिनय करते रहे हैं हिंदी सिनेमा के पर्दे पर।